नमस्कार, मैं हूं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उनके अलावा बैठक में आए कुछ नेता भी संक्रमण के शिकार हो गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था। इसके बाद हुई उनकी जांच तो उसमें कोरोना संक्रमित वो पाई गई है। सुरजेवाला ने बताया कि सोनिया गांधी ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने उनके संपर्क में आए सभी नेताओं से जांच कराने की अपील की है। क्या आपने अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवाया है या नहीं? अगर नहीं किया है तो हर हाल में 30 जून 2022 से पहले ये काम जरूर कर ले, क्योंकि 30 जून के बाद से आपको दोगुनी पेनाल्टी का भुगतान करना होगा। दरअसल 1 अप्रैल 2022 से पैन कार्ड के आधार से लिंक करने पर ₹500 पेनाल्टी भरना होता है, लेकिन 30 जून 2022 तक लिंक नहीं करने पर 1 जुलाई से ₹1000 पेनाल्टी देना होगा। घाटी से प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त सभी विस्थापित कश्मीरी हिंदू कर्मियों को 2023 के अंत तक सरकारी आवासीय सुविधा मिल जाएगी। करीब 6000 कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कॉलोनियों में फ्लैट बनाए जा रहे हैं। 1200 कर्मचारियों को पहले से स्थापित कॉलोनियों में फ्लैट दिए जा चुके हैं। 1324 फ्लैट इस साल के अंत तक तैयार हो जाएंगे और बाकी करीब 2700 फ्लैट अगले वर्ष दिसंबर महीने तक कर्मचारियों को मिल जाएंगे। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च मुद्रास्फीति दर और ब्याज दरों में की जाने वाली संभावित बढ़ोतरी के कारण वित्त वर्ष 23 में वास्तविक GDP में 11.1 लाख करोड़ की तेजी आने का अनुमान है। SBI रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही से मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बने रहने के आसार के बीच मौजूदा मूल्य पर GDP इस साल 16.1% बढ़ेगी। इराक का ये प्राचीन शहर कभी उत्तरी मेसोपोटामिया के एक इंडो ईरानी साम्राज्य मितानी के टिग्रिस नदी पर स्थित था। इराक इस वक्त भयंकर सूखे की चपेट में है, जिसकी वजह से देश का सबसे बड़ा जलाशय सूख गया है। कुर्द और जर्मन शोधकर्ताओं की एक टीम ने शहर का पता लगाया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बुराड़ी में बने कोरोनेशन प्लांट का निरीक्षण किया। इस मौके पर CM ने कहा है कि दिल्ली स्थित देश के सबसे बड़े कोरोनेशन प्लांट से यमुना साफ होगी, दिल्ली की प्यास भी बुझेगी। को पाकिस्तान का आयरन ब्रदर कहने वाले तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपनी झल्लाहट जाहिर की है। अनाज की कमी से परेशान तुर्की की मदद के लिए भारत ने गेहूं से भरा कंसाइनमेंट भेजा था, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया है। जर्मनी ने एक बार फिर से भारत को आगाह किया है कि वो व्लादिमीर पुतिन को कोई समर्थन नहीं दे, क्योंकि जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन जैसे संप्रभु राष्ट्र पर हमला किया है, उसी तरह का खतरा भारत जैसे देश पर भी भविष्य में पैदा हो सकता है। बिहार के रसदार और सुगंधित लंगड़ा आम और मुजफ्फरपुर के GI टैग वाली शाही लीची को जल्द ही मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन और कतर के नए विदेशी बाजार मिलेंगे। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बिहार के लंगड़ा आम और शाही लीची को मॉरिशस, न्यूजीलैंड, बहरीन, कतर, UK और UAE के बाजारों में बिक्री के लिए बिहार स्थित किसान उत्पादक संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय फल निर्यातकों और आयातकों की एक आभासी बैठक आयोजित की। बिहार विधान परिषद की 7 सीटों पर 20 जून को चुनाव होना है। विधान परिषद की 7 सीट के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। गुरुवार से शुरू होकर आगामी 9 जून तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। इन 7 सीटों में से 3 पर राजद की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन विधान परिषद के लिए NDA उम्मीदवार के नामों की फिलहाल घोषणा नहीं हो सकी है। ऐसे में अब सभी निगाहें भाजपा और जदयू की तरफ टिकी है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के अनुसार तुर्की के नाम को बदलकर तुर्की करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने संवाददाताओं से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन को तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावासुग्लो ने एक पत्र मिलने के तुरंत बाद यह बदलाव प्रभावी हुआ है, जिसमें देश का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। तेलंगाना के लोग आज राज्य का स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई दशकों तक चले आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया है। वहीं तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर नेताओं ने शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी समेत कई नेताओं ने राज्य के लोगों को इस खास मौके पर बधाई दी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि यूपी की विधानसभा पूरे देश में विधायिका के लिए रोल मॉडल बनेगी। ई विधान व्यवस्था के साथ ही प्रोफेशनल और अन्य सदस्यों से राय शुमारी कर सुधार किया जा रहा है। ये भी संकेत दिए गए हैं कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए विधानसभा भवन का निर्माण लखनऊ में कराया जाएगा। कहां होगा और इसका क्या लागत होगी, इस सवाल पर कहा गया है कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। टाटा ग्रुप के पास कई कंपनियां हैं जो निवेशकों को तगड़ा रिटर्न दे रही है। ये कंपनी S&P BSE 200 ग्रुप में शामिल है। अगर कोई निवेशक पैसा लगाने के लिए अच्छे शेयर की तलाश में है तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी पर नजर डाल सकता है। इस कंपनी ने बीते 2 साल में काफी अच्छा रिटर्न दिया है। जानकारों का मानना है कि ये टाटा ग्रुप का शेयर आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है।
ई मुद्रा के शेयरों के करीब 6% के प्रीमियम के साथ 271 रुपए पर बाजार को BSE में लिस्टिंग हो गई है। ई मुद्रा भारत में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करता है। इसके अलावा ये टैक्स फाइलिंग आदि की सेवाएं भी प्रदान करता है। ई मुद्रा का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 20 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था और ये 24 मई को बंद हुआ। इसे 2.72 गुना अविदान मिला था। इसराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस तरह से यूएई पहला अरब राज्य बन गया है जिसने इसराइल के साथ पहला बड़ा व्यापार समझौता किया। इसराइल और यूएई के बीच हुआ ये व्यापार समझौता दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया एक अहम कदम है, लेकिन इससे भारत को भी जबरदस्त फायदा होगा। पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद भारत की टीम पहली बार आधिकारिक यात्रा पर काबुल पहुंची है और केंद्रीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम अफगानिस्तान की राजधानी पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में वो तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मिलेंगे और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिससे पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। हार्दिक पटेल ने कहा कि राष्ट्रहित, प्रदेश हित, जनहित और सामाजिक हित की भावनाओं के लिए आज से नए अध्याय का प्रारंभ करने जा रहा हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्र सेवा के भागीरथ कार्य में छोटा सा सिपाही बनकर काम करने की इच्छा है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले कई महीने से युद्ध चल रहा है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश मदद पहुंचा रहे। यूक्रेन को हथियार, आर्थिक मदद भी कई देश मुहैया करा रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के समर्थन में अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम सप्लाई करने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को युद्ध में काफी मदद मिलेगी। SBI रिसर्च ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 भारत की इकोनॉमी में 7.5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बता दें कि SBI ने अपने पहले के अनुमान में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में इकोनॉमी में 8.7% की बढ़त देखने को मिली है। SBI के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्यकांति घोष ने गुरुवार को आए एक नोट में कहा है कि महंगाई की ऊंची दर और इसके कारण ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2023 में देश की रियल GDP में 11.1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। सरकारी से प्राइवेट हुए एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों के एक तबके को वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर नगद प्रोत्साहन समेत अन्य उपायों की घोषणा की। इसके साथ कर्मचारियों की पात्रता को लेकर उम्र सीमा को 55 से घटाकर 40 कर दिया गया है। टाटा समूह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को सफल बोली लगाने के बाद 27 जनवरी को एयर इंडिया का नियंत्रण लिया था। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तव ने घोषणा की है कि अगर अगले वित्त वर्ष के भीतर बीरगंज में राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलें चालू हो जाती हैं तो वो अपने घर का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित कर देंगे। सांसद श्रीवास्तव ने बुधवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए ये टिप्पणी की, ये कहते हुए कि वो राज्य के स्वामित्व वाली चीनी मिलों को चलाने के लिए बजट में की गई घोषणा का स्वागत करते हैं। हालांकि श्रीवास्तव ने घोषणा की कि अगर एक चीनी मिल भी अगले वित्त वर्ष के भीतर बीरगंज में शुरू हुई तो वो अपने घर का स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित कर देंगे। PDS मल्टीनेशनल फैशन ग्लोबल स्तर पर कारोबार करने वाली टेक्सटाइल कंपनी है। 22 देशों में कंपनी का कारोबार है। ये दुनिया के तमाम बड़े ब्रांड्स और रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। PDS मल्टीनेशनल फैशन एक छोटे आकार की कंपनी है जिसका मार्केट वैल्यूएशन 4,460.63 करोड़ रुपए है। आज ये स्टॉक 5% से थोड़ा ज्यादा बढ़त के साथ खुला और सुबह के शुरुआती कारोबार में 5.38% की बढ़ोतरी के साथ 1,800 रुपए का इंट्राडे हाई छूता हुआ नजर आया। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। ई श्रम के तहत मिलने वाली दूसरी किश्त जल्द ही पात्र लाभार्थियों के खाते में आने वाली है। यदि आपने अब तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इसके लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर आप ई श्रम कार्ड योजना से जुड़े हैं तो ये खबर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। दरअसल ई श्रम कार्ड आपको सिर्फ 500 रुपए का अनुदान ही नहीं देता बल्कि इसके तहत सरकार दर्जनों लाभ भी दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3 जून को आयोजित होने वाली तृतीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारियों में जुट गए हैं। इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव का शुभारंभ किया जाएगा। यह कार्यक्रम गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 पेडियम का विमोचन भी किया। दावोस में हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में रिकॉर्ड संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। ये बैठक 23 से 25 मई तक दावोस में हुई थी। भारत के करीब 100 प्रतिभागी और कई राजनीतिक नेता इसमें शामिल हुए और उन्होंने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भारत की स्थिति में मंच को रूबरू करवाया है। SKOCH की स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल व्यापार के क्षेत्र में देश भर में अव्वल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी देते हुए गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए स्कोच पुरस्कार मिला है और
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा की गई पहलों के कारण ही राज्य को सम्मान के लिए चुना गया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए पुरस्कार पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि स्कॉच की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर है। एनटीपीसी के पूर्ण स्वामित्व वाली नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी के थर्मल पावर स्टेशन के 660 मेगावाट की तीसरी इकाई ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। इससे बिहार को आज से 559 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने में लगेगी। अब बिहार को एनटीपीसी के 5922 मेगावाट बिजली मिलेगी, वहीं एनपीजीसी से 1122 मेगावाट की जगह 1680 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। बुधवार को उन्होंने एक ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार तो गर्म हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपना सफाई पेश किया है। लेकिन सौरभ गांगुली ने गुरुवार को तस्वीर साफ करते हुए नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ऐसी बात कही, जिसके तहत ही वो एक वैश्विक एजुकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने रिकॉर्ड कायम करते हुए चालू वित्त वर्ष 2022-23 के मई महीने में 16.06 मिलियन टन माल का लदान किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ये माल लदान पिछले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2021-22 के मई महीने में लदान किए गए 14.48 मिलियन टन की तुलना में 1.58 मिलियन टन ज्यादा है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष के मई महीने में पिछले वर्ष की तुलना में माल लदान की 10.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है प्रिया रॉय, विकास स्टडी, इंडियन सोनिया, नुनु कुमार, सुनील कुमार, शैलेश कुमार, निशांत सिंह, सलीम भाई, मिंटू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कुणाल कुमार, शब्बीर हक, सुनील कुमार, बबलू कुमार, सोनाली सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास कोरोना की क्या स्थिति है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।